हेलो एवरीवन, आज की हमारी कहानी है द थीव्स स्टोरी। इस कहानी में एक छोटा लड़का अनिल से दोस्ती करता है। अनिल उस पर पूरी तरह विश्वास करता है और उसे काम देता है, काम यानी रोजगार देता है। क्या वह लड़का उसके विश्वास को तोड़ देता है, यही हम इस कहानी में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं उस समय भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला, और मैं केवल 15 वर्ष का था। मैं एक अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। वह लगभग 25 वर्ष का लंबा दुबला पतला और मेरे उद्देश्य के लिए पर्याप्त लापरवाह सा दयालु और साधारण सा व्यक्ति था। कुछ समय से मेरी किस्मत अच्छी नहीं चल रही थी और मैंने सोचा कि मैं इस नवयुवक का विश्वास जीत लूँगा। तुम स्वयं भी एक पहलवान लगते हो, मैंने कहा। थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। तुम भी वैसे ही दिखाई देते हो, उसने कहा, जिसने मुझे कुछ पल के लिए चुप कर दिया क्योंकि मैं उस समय काफ़ी पतला था। ठीक है, मैंने नम्रतापूर्वक कहा, मैं थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, मैंने झूठ बोला। मैं 1 महीने एक नया काम रख लेता था। यह मुझे पुलिस और पहले नौकरी देने वालों से बचाए रखता था। इस परिचय के बाद अनिल ने तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बातें की जो घुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था और अनिल चला गया और मैं यूं ही उसका पीछा करता रहा। हेलो, उसने दोबारा कहा। मैंने उसे अपनी सबसे अच्छी वाली मुस्कान दी। मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने कहा, परंतु मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, अनिल ने कहा। मैंने 1 मिनट सोचा, शायद मैंने मेरे आदमी को गलत समझा था, अर्थात शायद मुझसे सही आदमी को पहचानने में भूल हुई थी। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उसने कहा, क्या तुम खाना बना सकते हो? मैंने फिर झूठ बोला कि हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ। यदि तुम खाना बना सकते हो तब शायद मैं तुम्हें भोजन खिला दूँ। वह मुझे जमुना मिठाई की दुकान के ऊपर अपने कमरे में ले गया और मुझसे कहा कि मैं छज्जे में सो सकता हूँ। लेकिन जो भोजन मैंने उस रात बनाया था वह बहुत खराब बना था क्योंकि मैंने झूठ बोला था। और अनिल ने उसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया और मुझसे चले जाने को कहा, लेकिन मैं फिर भी नहीं गया और मैं हंसता रहा और वह भी हंसने लगा। बाद में उसने मेरा सिर थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया और कहा कि मुझे पूरे वाक्य और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। मैं खुश हो गया था। मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो फिर मेरी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। यह अनिल के लिए आनंददायक काम था। मैं सुबह चाय बनाता और फिर मेरा समय दिन भर की आवश्यकताओं के लिए खरीदारी में लग जाता था। आम तौर पर मैं 1 रुपये बचा लेता था। मेरा ख्याल था वह जानता था कि मैंने इस तरीके से कुछ पैसे बनाए हैं, लेकिन शायद उसे कुछ बुरा नहीं लगा। अनिल नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था। वह 1 सप्ताह पैसे उधार लेता और अगले सप्ताह उसे उतार देता। वह अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था, परंतु जैसे ही चेक पहुंचता वह बाहर जाता और जश्न मनाता। ऐसा प्रतीत होता कि वह पत्र पत्रिकाओं के लिए लेखक था। आजीविका यानी अपना जीवन चलाने के लिए यह उसका एक विचित्र तरीका था। एक शाम वह नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ घर पर आया। उसने बताया कि उसने अभी अभी एक किताब प्रकाशक को बेची है। रात को मैंने उसे गद्दे के नीचे पैसे तय करके रखते हुए देखा। मैंने अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर लिया था, खरीदारी में धोखाधड़ी भी की थी। इसके अलावा मैंने कोई भी काम अपने पेशे वाला नहीं किया था, यानी चोरी कभी भी नहीं की थी। ऐसा करने के लिए मेरे पास एक मौका था, बहुत सारे मौके थे। अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी और मैं जब चाहे आ जा सकता था।
मैं कभी भी चोरी कर सकता था। वह उन सब में सबसे अधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था जो मुझे अब तक मिला था। वह मुझ पर पूरा विश्वास करता था और यही कारण था कि उसे लूटना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वह लूटे जाना सहन कर सकता है, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल है। कभी कभी उसे ध्यान ही नहीं रहता था कि उसे लूटा जा चुका है और इससे सारे काम का मजा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, यही समय है मैं कुछ वास्तविक काम करूं। मैंने स्वयं को बताया, अब मेरा अभ्यास भी नहीं रहा चोरी का, और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो इसे केवल दोस्तों में बर्बाद कर देगा अनिल, इसे दोस्तों में बर्बाद कर देगा। अनिल सोया हुआ था। चंद्रमा की एक किरण बालकनी को पार करके बिस्तर पर गिर रही थी। स्थिति पर विचार करते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। यदि मैं पैसे ले लेता हूँ तो लखनऊ के लिए 10:30 वाली ट्रेन पकड़ सकता हूँ। कंबल से बाहर निकल कर मैं बिस्तर तक रेंगता हुआ गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका चेहरा साफ और चिंताहीन दिखाई दे रहा था, जबकि मेरे चेहरे पर उससे ज़्यादा निशान थे, यद्यपि मेरे निशान ज़्यादातर घावों के थे। मेरा हाथ रुपए तलाशने के लिए गद्दे के नीचे चला गया। जब मुझे रुपए मिले, मैंने बिना आवाज़ किए उन्हें निकाल लिया। अनिल ने नींद में एक लंबी सांस ली और मेरी तरफ करवट कर ली। मैं भौंचक्का रह गया और मैं जल्दी से रेंगकर कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं सड़क पर आया तो मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। मैंने ये नोट अपनी कमर पर पायजामे के धागे से बांध लिए। मैं धीरे चलने लगा और नोटों को गिना। 50-50 के नोटों में 600 रुपये थे। मैं 1-2 सप्ताह के लिए तेल के एक अमीर अरब व्यापारी की तरह रह सकता था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय पर नहीं रुका। मैंने कभी भी जीवन में टिकट नहीं खरीदा था, अपितु सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। लखनऊ एक्सप्रेस तभी आगे बढ़ रही थी। गाड़ी ने अभी तक गाड़ी नहीं पकड़ी थी और मैं कूद कर किसी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, लेकिन मैं हिचकिचा गया, किस कारण से मैं नहीं बता सकता, और मैंने भागने का मौका खो दिया था। जब गाड़ी जा चुकी थी, मैंने स्वयं को सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेले पाया। मेरे पास कोई विचार नहीं था कि रात कहाँ गुजारी जाए। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था जिसके घर में जाकर के अपनी रात गुजारूं। मेरा विश्वास था कि दोस्त मदद की अपेक्षा समस्या ज़्यादा देते हैं, और मैं स्टेशन के पास किसी होटल में रुककर किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था। ऐसा व्यक्ति जिसे मैं वास्तव में अच्छी तरह से जानता था, वही जिसे मैं लूट चुका था, स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार में धीरे धीरे चलने लगा। चोर के रूप में मेरे एक छोटे से कार्यालय में मैं कई लोगों के चेहरे पढ़ चुका था। जब उनका सामान खो चुका होता है, लालची व्यक्ति भय दिखाता है, अमीर व्यक्ति गुस्सा दिखाता है, गरीब व्यक्ति स्वीकारोक्ति दिखाता है, यानी वह स्वीकार कर लेता है कि उसके घर पर चोरी हुई है। लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा जब उसे चोरी का पता लगेगा, उदासी की एक झलक से भर जाएगा। पैसे के खो देने पर नहीं, परंतु विश्वास के खो देने पर। मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी और हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरी मुश्किलें और बढ़ा दी थी। जल्द ही तेज बारिश होने लगी। मेरी कमीज और पायजामा मेरी त्वचा से चिपक गया और एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बारिश के थपेड़े मारने लगी। मैं बाजार वापस गया और घंटा घर के आश्रय में बैठ गया। घड़ी आधी रात का समय दिखा रही थी। मुझे नोटों की चिंता हुई, वे बारिश में भीग चुके थे। अनिल के पैसे सुबह वह शायद 2 और 3 रुपये सिनेमा जाने के लिए देता, लेकिन मेरे पास आज बहुत सारे पैसे हैं। मैं उसका भोजन नहीं पका सकता, बाजार नहीं जा सकता और पूरा वाक्य पढ़ना और लिखना नहीं सीख सकता। मैं चोरी करने की उत्सुकता के बारे में भूल गया था। मैं जानता था कि पूरे वाक्य एक दिन मेरे लिए कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा लेकर आ सकते हैं। चोरी करना एक साधारण सी बात है और कभी कभी पकड़े जाना भी उतनी ही साधारण बात है, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार और इज्जतदार आदमी बनना बहुत कुछ अलग बात है। यदि मैं केवल पढ़ता और लिखना चाहता हूँ तो मुझे वापस अनिल के पास लौट जाना चाहिए, मैंने अपने आप से कहा। मैं घबराया हुआ वापस शीघ्र कमरे में गया, क्योंकि कोई चीज़ चुराना ज़्यादा आसान है बजाय इसे बिना पता लगाए लौटाने के।
मैंने चुपचाप दरवाज़ा खोला और तब मैं बादल युक्त चांदनी में दरवाजे के रास्ते में खड़ा हो गया। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं बिस्तर के सिरहाने की ओर रेंग कर गया और नोट लिए हुए हाथ को बाहर निकाला। मैंने उसकी सांसों को मेरे हाथ पर महसूस किया। मैं एक मिनट तक हिला नहीं। तब मेरे हाथ ने गद्दे के किनारे को ढूंढा और इसके नीचे नोटों को खिसका दिया। अगली सुबह मैं देरी से उठा और मैंने पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया। उसकी उंगलियों के बीच में 50 का नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी का पता चल गया है। मैं केवल कुछ रुपए कमाए थे, उसने बताया। अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा। मेरा हौसला बढ़ गया। लेकिन जब मैंने नोट लिया तो मैंने देखा यह रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला था। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। वह सब जानता था, लेकिन ना तो उसके होठों ने ना ही उसकी आँखों ने मुझे कुछ भी महसूस कराया। मैं अपने उसी मोहक अंदाज